क्या आपने कभी सोचा है कि पिंटरेस्ट से आप पैसे कमा सकते हैं? पैसा ही पैसा होगा। कैसे कुछ लोग हर महीने हजारों रुपए कमा रहे हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? क्या सच में पिंटरेस्ट से एफिलिएट मार्केटिंग करके आपको एक स्टेबल इनकम मिल सकती है? क्या आप भी ये सब कर सकते हैं बिना किसी एक्सपर्ट नॉलेज के? बिल्कुल कर सकते हैं, बस देखते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पिंटरेस्ट को यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और एक स्टेबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने पसंद के फोटोज, आइडियाज और डिजाइन शेयर करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पिंटरेस्ट पर हर महीने 400 मिलियन से ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं। हाँ, 400 मिलियन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मौका है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो सुनिए, एक रिसर्च के मुताबिक पिंटरेस्ट के यूजर्स दूसरे सोशल मीडिया यूजर से ज्यादा शॉपिंग करते हैं। मतलब अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो पिंटरेस्ट वो जगह है जहां पर आपको जरूर होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पिंटरेस्ट को 80% यूजर्स मोबाइल से एक्सेस करते हैं। मतलब आपका प्रोडक्ट या सर्विस हर किसी के पॉकेट में है, बस आपको सही तरीके से दिखाना आना चाहिए। तो चलो समझते हैं पिंटरेस्ट के इस पावर को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। यहाँ हर दिन हजारों लोग आपके पिंटरेस्ट पिंस को देखेंगे और उसमें से कुछ लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे भी जो आप प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको हर प्रोडक्ट्स के सेल पर कमीशन मिलेगा। मतलब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका अकाउंट जो है वो पैसे कमा रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे ना, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कैसे शुरू करें? अरे बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भी, ताकि आपकी पिंटरेस्ट जर्नी आसानी से चल सके। पहला स्टेप है नेच। अब दोस्तों पिंटरेस्ट में एक चीज बहुत जरूरी है और वो है नेच। मतलब आप किस टॉपिक या कैटेगरी में फोकस करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है ना कि उनका कंटेंट या प्रोडक्ट सबको पसंद आए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तभी आपको असली सक्सेस मिलती है। आप सोच रहे होंगे पर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा निच बेस्ट है मेरे लिए? तो दोस्तों यहां आता है trends.pinterest.com का रोल। ये एक ऐसा टूल है जो पिंटरेस्ट खुद प्रोवाइड करता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि लोग पिंटरेस्ट पर क्या सर्च कर रहे हैं और क्या नहीं। जो लोग स्पेसिफिक निच में काम करते हैं वो 3 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं दूसरे जनरल कैटेगरीज के मुकाबले। तो अगर आपको सच में पिंटरेस्ट से अच्छी इनकम चाहिए तो आपको सही निच चूज करना होगा। मान लीजिए आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि क्यों ना पिंटरेस्ट पर गार्डनिंग के टिप्स शेयर किए जाए। लेकिन कैसे पता करें कि लोग वाकई में गार्डनिंग के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं? यहां आता है trends.pinterest.com का मैजिक। जब आप यहाँ गार्डनिंग टाइप करते हैं आपको पता चलता है कि कितने लोग इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे होम डेकोर। हर कोई अपने घर को सुंदर बनाना चाहता है ना? तो अगर आप होम डेकोर जैसे एवरग्रीन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं तो आपको हर समय ऑडियंस मिल सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक होम डेकोर जैसे टॉपिक्स पर पिंटरेस्ट पर हर महीने लाखों सर्चेस होते हैं। मतलब आपका कॉन्टेंट हमेशा पॉपुलर रह सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि होम डेकोर से भी एक कदम आगे एक और कीवर्ड है जो अभी पिंटरेस्ट पर धूम मचा रहा है? हाँ, वो कीवर्ड है होम इंस्पिरेशन। अब सोचो हर कोई अपने घर को स्पेशल बनाना चाहता है, कुछ अलग कुछ नया, और इसलिए लोग होम इंस्पिरेशन सर्च कर रहे हैं ताकि उन्हें नए आइडियाज मिले अपने घर को और डेकोरेटिव बनाने के लिए। मैंने trends.pinterest.com पे जब चेक किया और पाया कि होम इंस्पिरेशन कीवर्ड पर हर महीने लाखों सर्चेस हो रहे हैं। मतलब ये कीवर्ड अभी गोल्ड माइन है। तो अगर आप होम इंस्पिरेशन पे फोकस करते हो तो आप समझो कि आपका पिंटरेस्ट अकाउंट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा क्योंकि ये कीवर्ड अभी नई उड़ान भर रहा है। तो दोस्तों क्या कहते हो, क्या आप रेडी हो होम इंस्पिरेशन के इस सफर को शुरू करने के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस कीवर्ड को यूज करके पिंटरेस्ट पर कमाल कर सकते हैं। जब हम होम इंस्पिरेशन जैसे धांसू कीवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी चाहिए।
कैसे समझे कि कौन से पिंस सक्सेसफुल है और कौन से नहीं। देखो पिंटरेस्ट पर हर कोई अपने आइडिया शेयर करता है, लेकिन कुछ पिंस ऐसे होते हैं जो बाकी उसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, मतलब वो पिंस जिन्हें लोग ज्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या उन पर ज्यादा कमेंट्स करते हैं। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और पता चला कि सक्सेसफुल पिंस में कुछ कॉमन चीजें होती हैं। अच्छी क्वालिटी की इमेजेस, क्लियर और कैची कैप्शंस, रेलिवेंट कीवर्ड्स का यूज, और हाँ एक और बात, कलर्स भी मैटर करते हैं। रिसर्च के मुताबिक ब्राइट कलर्स वाले पेंस पर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी और वो है एंगेजमेंट मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे हो भाई ये एंगेजमेंट मैट्रिक्स क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, जब आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं और वो आपको ध्यान से सुनता है या आपसे हंसी मजाक करता है या आपकी बात का रिएक्ट करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। वैसे ही पिंटरेस्ट पर भी जब लोग आपके पिन को देखते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, वो आपके पिन के लिए अच्छा होता है। इन तीन मैट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमारा कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपके पिन पर व्यूज ज्यादा है, लाइक्स और कमेंट्स भी अच्छे हैं, तो समझो आपका पिन हिट है। सोच रहे हो ना बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, चलो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मैंने काफी अकाउंट्स चेक किए हैं जो कि पॉपुलर है और थोड़ा उस पर रिसर्च किया और फिर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली। नंबर वन, हाई क्वालिटी इमेजेस। उनके हर पिन में एकदम HD क्वालिटीज की फोटोज होती है, मतलब आप देखते ही रह जाते हैं। सेकंड, एंगेजिंग कैप्शंस। उनके कैप्शंस में हमेशा एक क्वेश्चन होता है जिससे लोग एंगेज हो जाते हैं और कमेंट कर देते हैं। और थर्ड है कंसिस्टेंसी। ये अकाउंट्स हर रोज नए पिन पोस्ट करते हैं विदाउट थके। और सबसे बड़ी बात, ये अकाउंट्स हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। अगर अभी वुडन फर्नीचर ट्रेंड में है तो वो उसी पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों ये था एक सक्सेसफुल पिंटरेस्ट अकाउंट का राज। अब आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी ऐसे ही अपने अकाउंट ग्रो कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा रिसर्च, थोड़ी मेहनत और सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है। गाइस आप लोगों को बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्या आप अपने ब्लॉग से पैसे कमाने के लिए खाली गूगल एडसेंस पे ही डिपेंड है? अगर मैं बोलूं गूगल एडसेंस के अलावा भी एक जबरदस्त तरीका है अपने ब्लॉग ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का, तो करना चाहोगे? अगर आंसर यस है तो आई एम प्रेजेंटिंग यू नोटिक्स, आज के वीडियो के स्पॉन्सर। दोस्तों नोटिक्स सिर्फ एक पुश नोटिफिकेशन प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये आपके एग्जिस्टिंग ट्रैफिक से अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करने का एक रास्ता भी है। इनकी एफिशिएंट पुश नोटिफिकेशन सिस्टम के साथ आप सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं भेजते बल्कि आप अपने ऑडियंस को एड्स दिखा सकते हैं, और वो भी मीनिंगफुल एड्स जिससे आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो, और ऐसे एड्स जो आपके ऑडियंस के बिहेवियर से मैच भी होगा एंड उनको एंगेज भी रखेगा, क्योंकि आप यहां ये भी चूज कर सकते हो कि आपके ऑडियंस को किस कैटेगरी के एड्स दिखने चाहिए, जैसे कि लाइफस्टाइल, न्यूज, ई कॉमर्स एटसेट्रा। हर फील्ड के लिए आपको एड्स कैटेगरी यहां पर मिल जाती है। अब समझे कैसे ये आपके ऑडियंस को एंगेज रखता है? इतना ही नहीं, आप एड्स की फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो कि कितने यूनिक ऑडियंस को कितने एड्स और कितनी बार दिखना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि नोटिक्स CPM प्राइसिंग मॉडल पे ऑपरेट करता है, मतलब हर 1000 इंप्रेशंस पे आपके डॉलर्स बनते हैं। तो आज ही ट्राई करो नोटिक्स वर्डप्रेस प्लगइन को और शुरू कर दो अपने ब्लॉगिंग से एक एक्स्ट्रा अर्निंग करने का आरंभ। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर फ्री अकाउंट साइन अप, जल्दी करो। अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। इन सब बातों में हम तो भूल ही गए एक चीज, वो है अपना पिंटरेस्ट प्रोफाइल सेटअप करना। सोचो जब कोई आपके प्रोफाइल पे आता है और वो क्या देखेगा? आपका बैनर, लोगो और बायो, राइट? ये तीन चीजें आपके ब्रांड का पहला इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। नंबर वन, बैनर। ये आपके प्रोफाइल का सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें आपको दिखाना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर फोकस करते हैं। जैसे अगर आप होम इंस्पिरेशन पर फोकस कर रहे हैं तो एक अच्छी सी होम डेकोर की इमेज होनी चाहिए। सेकंड, लोगो। लोगो से लोग आपको याद रखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल, क्लीन और मेमोरेबल होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक लोगो नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना, सब बताऊंगा। थर्ड, बायो। ये आपका इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट एंड स्वीट। आप क्या ऑफर करते हैं, क्यों कोई आपको फॉलो करे, ये सब यहां बताना है। ये तीन चीजें आपके सक्सेस का फाउंडेशन है।
लेकिन अब सवाल यह है कि हम इन्हें कैसे बनाएं। सबको तो डिजाइनिंग आती नहीं है ना, तो दोस्तों कैनवा इसका सलूशन है। ये एक ऑनलाइन टूल है जहां आप बिना किसी डिजाइनिंग स्किल्स के मस्त मस्त ग्राफिक्स बना सकते हैं, और गेस व्हाट, ये फ्री भी है। कैनवा में आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, बस आपको अपनी फोटोज डालनी है, थोड़ा सा टेक्स्ट एडिट करना है और बूम, आपका बैनर रेडी। लोगो बनाना अब और भी आसान है। कैनवा में आपको अलग अलग स्टाइल्स के लोगो डिजाइंस मिलते हैं, आपको जो पसंद आए वो चूज करो, कलर्स चेंज करो और आपका यूनिक लोगो तैयार। थर्ड, बायो बनाना है। यहां पर कैनवा का डायरेक्ट रोल तो नहीं है, लेकिन आप कैनवा के फॉन्ट्स और स्टाइल से इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने बायो लिखने के लिए। एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, कैनवा यूजर्स हर मिनट में 15,000 डिजाइंस क्रिएट करते हैं। मतलब ये टूल कितना पॉपुलर है सोचो। अब हमने कैनवा के मैजिक से ग्राफिक्स बनाना तो सीख लिया, लेकिन एक और चीज है जो हमें परफेक्ट करनी है, और वो है आपका पिंट्रस्ट अकाउंट का नाम और बायो। हाँ, नाम और बायो। प्रोफाइल में पहली चीज जो दिखाई देती है वो है आपके अकाउंट का नाम, और ट्रस्ट मी, नाम से ही वो डिसाइड करते हैं आपके ऑडियंस कि आपको अकाउंट फॉलो करना है या नहीं। आपका नाम ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे आसानी से याद रख सके, जैसे होम डेकोर बाय राज या राज का ड्रीम हाउस। आप जिस निच में हैं वो नाम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सेकंड, अवॉइड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि राज 123 या राज एट द रेट होम्स, ऐसे नेम से बचो, सिंपल रखो। अब आते हैं बायो पे। बायो वो जगह है जहां आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन शॉर्ट में बताएं कि आप क्या ऑफर करते हैं, जैसे शेयरिंग डेली होम डेकोर, इंस्पिरेशन फॉर योर ड्रीम हाउस वगैरह वगैरह। और लास्ट में फॉलो फॉर डेली अपडेट्स या चेक आउट आवर लेटेस्ट पेंस जैसे लाइंस ऐड करो ताकि लोग एंगेज हो। अच्छे कीवर्ड्स जैसे होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइन जैसे कीवर्ड्स यूज करो ताकि लोग आपको इजीली सर्च कर सके। स्मॉल डिटेल्स मैटर करते हैं दोस्तों। अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज, दैट इज कंटेंट। हाँ, वही इमेजेस और आइडियाज जो हम पिंटरेस्ट पर शेयर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई हर रोज नई इमेजेस कहां से लाए। एक सीक्रेट बताऊं, आप लीगली कुछ कंटेंट रीयूज भी कर सकते हैं, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के कुछ इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने लीगली कहा है। ऐसे ही किसी की इमेज को चुरा के यूज करना गलत है और वो कॉपीराइट इशू भी ला सकता है। कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्री में इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे Unsplash या Pexels। लेकिन फिर भी अगर आप किसी के कंटेंट को रीयूज करते हैं तो उन्हें क्रेडिट देना मत भूलना, मतलब उनका नाम या सोर्स मेंशन करना जरूरी है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट से बेटर है कि आप इमेज को थोड़ा एडिट करो, जैसे फिल्टर्स लगा के या टेक्स्ट ऐड करके। जो लोग ओरिजिनल और रीयूज कंटेंट का मिक्स यूज करते हैं उनके एंगेजमेंट रेट्स 30% ज्यादा होते हैं, तो बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। सोचो, अगर आपने अपनी मेहनत से कुछ मस्त इमेज बनाए और कोई उसे यूज कर रहा है बिना आपका नाम बताए, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा ना? वैसे ही जब हम किसी और का कंटेंट यूज करते हैं तो उन्हें क्रेडिट देना हमारा फर्ज बनता है, जैसे कि फोटो बाय @ओरिजिनल क्रिएटर या इंस्पिरेशन फ्रॉम @XYZ जैसे वर्ड्स यूज करो। आपको पता है, अगर आप क्रेडिट नहीं देते तो आपको कॉपीराइट इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इसे आपके फॉलोअर्स भी समझते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट हैं, और ये ट्रस्ट बिल्ड करता है आपके ऑडियंस के मन में आपके लिए। इतना सब करने के बाद क्या अब आपको पता है कि आपका कंटेंट हिट है या फ्लॉप? मतलब कैसे समझे कि लोग आपके कंटेंट को पसंद कर भी रहे हैं या नहीं? किसी भी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कंटेंट पोस्ट करना काफी नहीं है, उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना, उनसे एंगेजमेंट पाना ये भी उतना ही जरूरी है। जितना ज्यादा एंगेजमेंट उतना ही आपका कंटेंट दूसरों तक पहुंचेगा। पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम भी यही चाहता है। साथ ही ये देखो कि कौन से पिंस पर सबसे ज्यादा व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हो और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आपका कंटेंट करंट ट्रेंड्स के हिसाब से है तो चांसेस हैं कि वो परफॉर्म करेगा। जो क्रिएटर्स रेगुलरली अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं उनका एंगेजमेंट रेट ऑलमोस्ट 40% ज्यादा हो जाता है, तो इंटरेक्शन का मैजिक समझे। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ सीखा है ना, लेकिन सबसे मेन चीज वो हमने अभी तक छोड़ी हुई है, और वो है पिंटरेस्ट पर पिन
कैसे बनाए। हाँ, वही इमेजेस जो हम पोस्ट करते हैं। देखो, पिन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है तो आपका कंटेंट और भी शाइन करेगा। तो चलो आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे एक परफेक्ट पिन बनाया जाता है। नंबर वन, चूज द राइट इमेज। सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी की इमेज चूज करो। याद रहे, पिंटरेस्ट मोस्टली वर्टिकल इमेजेस को प्रेफर करता है। सेकंड, ऐड अ कैची टाइटल। इमेज के ऊपर या नीचे एक कैची टाइटल डालो, जैसे 5 टिप्स फॉर परफेक्ट होम डेकोर या मॉनसून गार्डनिंग आइडियाज वगैरह वगैरह। थर्ड, यूज डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी ऐड करो ताकि लोग समझे पिन के बारे में कि पिन किसके ऊपर है। और ऐड योर ब्रांडिंग, अपना लोगो या वेबसाइट का लिंक भी ऐड करो ताकि लोग आपको पहचान सके फॉर लॉन्ग रन। फिर यूज कॉल टू एक्शन, क्लिक फॉर मोर, रीड द फुल आर्टिकल जैसे फ्रेजेस यूज करो ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे भी लैंड हो सके। पिन में क्या क्या होना चाहिए ये तो पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि एक परफेक्ट पिन में क्या क्या होना चाहिए? जब कोई यूजर पिंटरेस्ट पर स्क्रॉल करता है तो वो हर सेकंड में कई पिन्स देखता है, तो आपका पिन कैसे स्टैंड आउट करेगा? सिंपल, एक कैची टाइटल और डिस्क्रिप्शन से। एक अच्छा टाइटल यूजर को अट्रैक्ट करता है, जैसे टॉप 5 होम डेकोर सीक्रेट्स या मॉनसून प्लांट्स यू मस्ट हैव। सेम डिस्क्रिप्शन से यूजर को पता चलता है कि पिन में क्या है। शॉर्ट और स्वीट रखो, लेकिन सारी इन्फो दे दो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हैशटैग्स यूज करना। जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैशटैग्स काम करते हैं, वैसे ही पिंटरेस्ट पर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैशटैग होम डेकोर, हैशटैग गार्डनिंग टिप्स जैसे रेलिवेंट हैशटैग्स यूज करो। अब एक सवाल है जो शायद आपके मन में भी हो, ये सब तो ठीक है लेकिन भाई पैसा कैसे आएगा? मुझे पता है इसी का ही वेट कर रहे हो आप, लेकिन क्या आपको पता है कि पिंटरेस्ट एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है पैसे कमाने के लिए, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है पता है ना? चलो शॉर्ट में बताता हूँ। जब आप किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करते हो और कोई उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको उसका ना कमीशन मिलता है। इस प्रोसेस को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब मैं आपको एक टूल के बारे में बताता हूँ जो इस प्रोसेस को और भी आसान बनाता है, विच इज kit.co। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की एक किट बना सकते हैं और वो पूरी किट एक साथ शेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को चूज करो और एक किट बनाओ, बस इतना ही, बस सिंपल। एक बार किट बन गई तो आप उसे पिंटरेस्ट, फेसबुक या कहीं भी शेयर कर सकते हो। जब कोई आपके किट से कुछ भी खरीदेगा आपको कमीशन मिलता रहेगा। kit.co जैसी कई और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि Linktree, Wishlink वगैरह वगैरह, लेकिन असली मजा तो तब आएगा ना जब हम वहां अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। सही पकड़े हैं। kit.co यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक हम सही तरीके से प्रोडक्ट्स ऐड नहीं करेंगे तब तक वो किट अधूरी सी लगेगी। एफिलिएट प्रोडक्ट को किट में कैसे ऐड करें? सबसे पहले kit.co पर अपना अकाउंट बनाओ या लॉगिन करो, देन क्रिएट अ किट बटन पर क्लिक करो। अब ऐड प्रोडक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करो, यहां पर डायरेक्टली प्रोडक्ट का लिंक पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक है तो वही लिंक पेस्ट करो, इससे जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा आपको कमीशन मिलेगा। हर प्रोडक्ट के लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखो ताकि लोग समझे कि प्रोडक्ट क्यों खास है। एक छोटी सी टिप दूं, हमेशा ना वही प्रोडक्ट चूज करो जिन पर आपको खुद यकीन हो, ताकि आपके फॉलोअर्स भी उस प्रोडक्ट पर भरोसा कर सके। तो दोस्तों कैसा लगा? आसान ना, बस थोड़ी सी मेहनत और स्मार्टनेस और आपका किट रेडी। क्या अब आप एक्साइटेड हैं अपने पहले किट को बनाने के लिए? यहाँ आप अपने Amazon Associates अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। Amazon Associates भी एक एफिलिएट प्रोग्राम है। इसके लिए सबसे पहले Amazon Associates पर अकाउंट बनाओ। जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद है उन्हें चूज करो और उनका एफिलिएट लिंक जनरेट करो। अब वो लिंक आप अपने पिंटरेस्ट पिन में खुद ऐड कर सकते हैं। Amazon एक ऐसी कंपनी है जिसका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है, मतलब लोग Amazon पर प्रोडक्ट्स खरीदने में ज्यादा विश्वास करते हैं। चांसेस हैं कि आपका कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा होगा।
सो गाइस कैसी लगी आज की मेक मनी ऑनलाइन की जर्नी? हमने kit.co से लेकर Amazon Associates तक का सफर तय किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। देखो दुनिया बदल रही है, लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और Pinterest एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप भी घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं, बस शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आज ही स्टार्ट करो और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं या कोई भी एक्सपीरियंस व्यूअर आपको जरूर हेल्प कर देगा। मैं इस चैनल में ऐसे ही नए नए ट्यूटोरियल्स और टिप्स लेकर आता हूं ताकि आप ऑनलाइन दुनिया में आकर पैसा कमा सको। और ट्रस्ट मी, इस जर्नी में मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यों? ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कुछ भी मिस ना करो। एक और बात, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हर अपडेट यूं ही मिलती रहे। मैं चाहता हूं कि हमारा ये कम्युनिटी ग्रो करे और हर किसी को ऑनलाइन सक्सेस की राह दिखाए। तो क्या आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप पिनिंग एंड कीप अर्निंग। धन्यवाद।